पागबड़ा के मुख्य मार्गों पर इन दिनों गंदगी के चलते राहगीरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़क में बन चुके गड्ढों में राहगीर चोटिल हो रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के संपर्क मार्ग का इन दिनों सबसे बुरा हाल बना हुआ है। बरसात के बाद सड़क में बड़े बड़े गड्ढे बन जाने से हर रोज यहाँ हादसों की संख्या में इजाफा हो रहा है। स्थानीय निवासियों की अगर माने तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को शिकायत करने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। पागबड़ा के इस रोड से गुजरने का मतलब खुद को चोटिल करने के बराबर है। राहगीरों का कहना है कि जब भी इधर से गुजरना है तो डर के साथ ही गुजरना पड़ेगा। पागबड़ा की स्टेट बैंक के सामने इन दिनों तालाब जैसे नज़ारे देखे जा सकते हैं। रात्रि में अनजान राहगीर इस मार्ग में फंसकर चोटिल हो रही हैं। स्थानीय निवासियों द्वारा पागबड़ा के इस संपर्क मार्ग को दुरुस्त करने की मांग की गई है। आप इधर गए थे, आप वापस क्यों आ गए? यहाँ पर पानी आ गया, बहुत ज़्यादा भर रहा है इसलिए। तो कोई परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है, कई लोग तो गिर गए यहाँ पर। मैं भी गिर गया था, मैं वापसी आ गया भैया। मैंने कहा कि मैं नहीं जा रहा। मस्जिद के आगे से सब लोग वापस आ रहे हैं लौट लौट के? हाँ, लौट लौट के आ रहे हैं। ये कारोबार की क्या स्थिति है यहाँ? कारोबार की सब बेकार हुआ पड़ा है यहाँ पर। कारोबार कैसे हो जाए, कोई आना ही नहीं चाहता इस रोड पे, बहुत गंदा रोड है। अच्छा, सरकार तो कहती है कि गड्ढा मुक्त सरकार बनाई है हमने। भाई साहब, गड्ढा मुक्त सरकार बनाई है तो फिर यहाँ पर क्यों ध्यान? क्या मांग चाहते हैं आप? यहाँ का कम से कम प्रोसीजर तो हो, इधर भी उधर भी दोनों तरफ भी। अब तुम देख सकते हो खुद ही कि यहाँ पर कितना पानी भरा हुआ है और बहुत सारे गड्ढे। बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। दिक्कत तो परेशानी तो बहुत ज़्यादा है, कारोबार ठप है यहाँ के। हाँ जी, लौट के आना पड़ा। क्या परेशानी है आगे? पानी है, बाइक टिकेगी नहीं। कितना गहरा गड्ढा है? बहुत गहरा गड्ढा है। तो अब क्या चाहें? आप देख रहे हैं ट्रैक्टर वैक्टर भी निकल रहा है यहाँ से। आप हर रोज निकलते हैं? नहीं, मैं रोज नहीं निकलता हूँ। आज जल्दी आज ही आप निकले और आज ही परेशानी में आ गए आप। तो अब क्या चाहते हो? रोड सही होनी चाहिए। तो रोड सही होनी चाहिए भैया, बहुत ज़रूरी है रोड सही होना। सरकार से क्या मांग चाहते हो? मांग यही है कि रोड हो जाए और परेशानी दूर हो जाए यहाँ के लोगों की। ठीक है, कहाँ से आ रहे हैं आप? मैं मुरादाबाद से आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील है।